अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपसे एक नई सेटेलाइट के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जिसका नाम है लाओसेट और इसकी फ्रिक्वेंसी और सिंबल रेट के बारे में और इसको एडजस्ट करने का पूरा तरीका आपसे शेयर किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने डिश की तरफ और इसको एडजस्ट करके मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना वरना आपको समझ नहीं आएगी। जी तो नाज़रीन, अपने डिश को एशिया सेट पर एडजस्ट कर लें। अगर आप पहले से आपका डिश एशिया पे एडजस्ट है एशिया सेट पर, तो आप इजीली यहाँ से आप जो ये नई सेटेलाइट है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपने ये काम करना है कि बैक से आपने स्टैंड खोल लें, इनको फुल ऊपर कर लें क्योंकि ये बहुत लो पे चल रही है, और बैक से इसके डिश को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें। उसके बाद 105 पर एशिया सेट चल रही है। आपको इस बात का पता है कि एशिया सेट 105 पर है, इससे आप टोटली 10 से 15 इंच उधर लेफ्ट पर जाएंगे, ठीक है। और आगे आपको मिलेगी एक नई सेटेलाइट जो 128 पर लाओसेट, इसका नाम है। सेटेलाइट कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने सेट को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लें। तो उसके बाद हम अपने टीवी के स्क्रीन पे चलते हैं, तो वहाँ जाकर आपको मैं सारी बात समझाता हूँ। जी तो नाज़रीन, मैं आ गया हूँ अपनी टीवी की स्क्रीन पर। ये आप एंटीना सेटिंग में जाएंगे, सबसे पहले आपने मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद ये मुख्तलिफ़ रिसीवरों के अपनी अपनी सेटिंग होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ आए। एंटीना सेटिंग में जाके टीपी लिस्ट आपने ढूंढना है, वो कहीं से भी आपके मिले, आपको एंटीना सेटिंग के सर्चिंग के अंदर से भी मिल सकती है और बाहर से भी। कोई भी सेटेलाइट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ये सेटेलाइट जो है इसका नाम है लाओसेट है इसका नाम है, लेकिन आप कोई भी सेटेलाइट यहाँ पर आप देखें भी सेटेलाइट आप चूज कर सकते हैं। तो आपने ऐसा करना है कि इसकी फ्रिक्वेंसी और सिंबल रेट में जो है मेन वो आपको बता देता हूं कि वो क्या रखनी है आपने। तो आपने दोस्तों चला जाना है किसी भी सेट पे, सेटेलाइट भी जाएंगे वहाँ पर आपने जाके फ्रिक्वेंसी आपने नोट करनी है। फ्रिक्वेंसी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रिक्वेंसी को ऐड करने के लिए आपने ब्लू कलर का जो ये रिमोट का बटन आपने इसको देख लेना है 03712। ये फ्रिक्वेंसी आप गौर से देख लें, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये आप इसको गौर से देख रहे हैं, और पोलर जो है इसका वर्टिकल है। उसके बाद सिंबल रेट इसकी 03651। इसको प्रेस ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने बैक आ जाना है। बैक जो ही आप आएंगे तो आपने सीधा चला जाना है अपने डिश को सेट करने के लिए, आपने एंटीना सेटिंग में चला जाना है। वहाँ पे जाकर आपने सिग्नल अपने चेक करने हैं, 70-80 किसी के 60-80 होंगे, कुछ इस तरह के सिग्नल होंगे, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि सिग्नल थोड़े जाएँ। ये आप एशिया सेट से थोड़ा सा लिफ्ट पर जाएंगे, एशिया सेट 105 पे आ रही है, ये 128 पे, ये एक नई सेटेलाइट है जिस पे दफ़ा करें आप पीटीवी को भी और दूसरे तीसरे चैनल को भी। इस पर ARY कोई देखता है, कोई बंदा जियो न्यूज़ देखना चाहता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ARY और जियो न्यूज़ दोनों एक ही सेटेलाइट पे। उसके बाद 10 सपोर्ट जो मेन चीज़ है, 10 सपोर्ट बिल्कुल आपको दोबारा बार बार की नहीं लगानी पड़ेगी बेस की, क्योंकि पीटीवी वाले चेंज कर लेते हैं। तो इसको हमने ब्लाइंड पे जाके सर्च करना है। सर्च करने के बाद अभी आपके सामने ये देख सकते हैं कि चैनल आएंगे और कौन कौन से ये सेटेलाइट पे चैनल हमारे पास चल रहे हैं। ये एशिया 3 से थोड़ा सा हटकर थोड़ा सा हम लेफ्ट पे जाएंगे, 128 पर है। वीडियो स्किप नहीं करनी वरना आपको समझ नहीं आएगा। इसमें एक दो सेटिंग हैं जो मेन और ज़रूरी होती हैं, वो मैं आपको अभी बताऊँगा इस वीडियो में। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि ये चैनल आ जाएँ। बहुत अच्छे से इसका जो चैनल है वो चल रहे हैं, 10 स्पोर्ट चल रहा है, वो स्पोर्ट कर बहुत सारे स्पोर्ट के चैनल चल रहे हैं। उसके बाद ARY चल रहा है, जी न्यूज चल रहा है, जी एंटरटेनमेंट चल रहा है, जो कि वो केबल का चैनल है। ये आप देख सकते हैं, ये चार चैनल अभी हमारे पास आ गए हैं। ये बिल्कुल न्यू चैनल हैं, टीवी S2 SZTV। उसके बाद जरा पता नहीं कौन कौन से ये चैनल चल रहे हैं, लेकिन मजे के चैनल है सारे। उसके बाद जो अभी चैनल आएंगे उनको देखना आपका कौन कौन से चैनल, और बहुत एम चैनल सेटेलाइट पर। ये नई सेटेलाइट अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो ये देख सकते हैं फ्लिंकी टीवी SBI हमारे पास नंबर 5 पे, 3340 लगभग इस पर ज्यादा ज्यादा। ये देखें ARY न्यूज, उर्दू न्यूज, 10 स्पोर्ट, ओह माय गॉड, हमें क्या जरूरत है, ARY चल रहा है। उसके बाद ये TV2, उसके बाद 10 स्पोर्ट, मेन चीज़ जो है जी न्यूज चल रहा है इस पर। ये भी मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा कि कौन कौन से ये देखें चैनल सेटेलाइट पर चल रहे हैं। नई सेटेलाइट है
ये भी मैं ओके करता हूँ, ओके करके मैं बैक आता हूँ और अभी आपको ये दिखाता हूँ कि मैं ये आर वाई है, ये देख सकते हैं ये आर वाई चल रहा है। उसके बाद दफ़ा करें आर वाई को। मैं आपको इसका वॉल्यूम लो कर देता हूँ ताकि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। और उसके बाद जो मेन में इसकी चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, वो आप देख सकते हैं कि इस पर 10 स्पोर्ट चल रहा है भाई। मेन जो चीज़ है ये आप देख सकते हैं, कोई की लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये 10 स्पोर्ट चल रहा है। उसके बाद हम टीवी चल रहा है, ये देखें हम टीवी ये भी चल रहा है, ये देखें। उसके बाद मैं कॉपीराइट स्ट्राइक की थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें गोल्ड स्टार, ये भी स्पोर्ट का चैनल है, ये भी चल रहा है। ARY डिजिटल ये भी चल रहा है। उसके बाद ये देखते जाएं आप, मैं अभी आपको बताता हूँ उसमें खबरों वाले, ये ARY जिंदगी। उसके बाद जियो एंटरटेनमेंट, आप सोच रहे होंगे कि वैसे बात कर रहे हैं, ये देखें भाई जियो एंटरटेनमेंट भी चल रहा है। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ जियो न्यूज़ भी इस पर चल रहा है भाई, ये देखें आप। थोड़ा सा अब अगर हम ऊपर जाते हैं तो जियो भी हमारे पास चल रहा है जी, ठीक हो गया। ज़रूरत क्या है हमें किसी दूसरी सेटेलाइट को इस्तेमाल करने में, ये देखें ये जियो BTV पे भी मैच दे रहे हैं, जियो भी चल रहा है। उसके बाद ये फलंगी, सब अच्छे से चैनल हैं। अगर आपकी जगह ठीक हुई थोड़ी सी तो मैंने अभी अभी ये चैनल चलाए हैं, तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।